हेलो वेलकम दोस्तों, एक नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा भी, बिल्कुल राइट देखा आप लोगों ने। मैं आज बात करने वाला हूँ झारखंड का एक मोस्ट फेमस पार्क है, जिसका नाम है खंडोली डैम पार्क। चलिए आज का इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने साथ एक जनवरी का हॉलीडे मनवाता हूँ आप लोगों को भी, और दिखाता हूँ खंडोली डैम पार्क किस तरह से है। एक्चुअली इसका नाम जिस तरह से है खंडोली डैम पार्क, तो आपको इससे भी समझ में आ ही गया होगा कि ये एक बड़ा सा पहाड़ और एक बड़ा सा डैम और पेड़ पौधों से बना एक पार्क का बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन है। और इसी पार्क को देखने के लिए आज हम चल रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे कितना शानदार और बेहतरीन पार्क है। तो इसी के साथ वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए और मैं आप लोगों को खंडोली का जो डैम है वो विजिट कराऊंगा आज। और मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और दे पाऊँ, और आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए और ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसा है कि हम और मेरा दोस्त श्री श्री सुरेंद्र यादव जी, हम दोनों पार्क घूमने के लिए निकल चुके हैं। और आप देखिए काफ़ी खूबसूरत पार्क है। और कहाँ जा रहे हैं सुरेंद्र? हम लोग जा रहे हैं खंडोली पार्क। हाय गाइस, आज हम लोग घूमते हैं खंडोली पार्क, चलिए देखते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। बेहतरीन नजारा है। दोस्तों ये रहा महसमुंडा का जो रेलवे स्टेशन है, वो ये पूरा उधर मधुपुर कोलकाता ये पूरा कोडरमा वगैरह जोड़ के रखी है। तो ये रेलवे ट्रैक इधर ही है, और अगर कभी इधर आना हो तो देखिए इसी के बगल में है खंडोली पार्क। तो चलिए आपको ले चलते हैं।
अभी हम लोग जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर, बंद कर बहुत मजा आ रहा है, पैर भी दर्द कर रहा है थका। बहुत ही ऊंचाई है थका। अरे थका कि नहीं, थक गए अब नहीं चला जा रहा है, लेस भी खुल गया। ओहो ये क्या हो गया, ये रहा खंडोली डैम। और ऊपर चलेगा थोड़ा सा, और ऊपर चलेगा। हमारा कोशिश था कि हम लोग ऊपर तक जाएं, पर हम लोग असफल रहे क्योंकि काफ़ी ऊंचा है यहाँ से। चाहे दोस्तों यहाँ से जाना अभी हम के लिए इम्पॉसिबल है। हम लोग यही से इधर थोड़ा से पार्क ना, पार्क पता चल रहे थे। ये रहा पार्क, इधर है ये रहा, ये रहा इधर से भी ऐसे दिखता है। ये रहा पार्क, ये पूरा पार्क है, ये पूरा पार्क। और ये पूरा डैम है, पानी का पूरा है, बड़ा सा डैम है। और हम लोग इतना दूर चढ़ते चढ़ते काफ़ी थक चुके हैं, तो मैं एक बार सिनेमेटिक लुक लेने का कोशिश करता हूँ। What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go. ये जो डैम है उससे बंधा हुआ है पूरा मेड़ टाइप का, तो उस पर भी रोड है, आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा एक बेहतरीन नज़ारा है। और पार्क ये है दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये इतना बड़ा पार्क है, ये पूरा लगा हुआ है झूला वगैरह। और वो जो तालाब, वो जो डैम का बीच में आप लोगों को दिख रहा है ये चीज़, तो ये है मछली पालने का कुछ जुगाड़ है, पता नहीं कैसा जुगाड़ है। और ये पूरा ऐसा सीन है। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा पहाड़ भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आप देखिए पहाड़ इतना ऊंचा है कि फिलहाल ऐसे तो कैमरे में देखने से काफ़ी लग रहा है नीचे ही, पर हम अपने जब आंखों से देख रहे हैं तो काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी मतलब अभी अगर हम लोग चढ़ना चाहें तो लगभग एक घंटा लग सकता है चोटी तक जाने में, इतना ऊंचा है। तो ये एक झारखंड का खूबसूरत पहाड़ है, कभी टाइम मिले तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी थक चुके हैं। इससे आगे मतलब नहीं चढ़ा जा रहा है, और इतना मतलब सुंदर जगह है कि लगता है कि ऊपर ही चढ़ जाए, पर मतलब पॉसिबल नहीं है। एक घंटा लग सकता है अगर अभी चढ़ना चाहे तो। ये देख सकते हैं हम लोग अभी काफ़ी ऊंचाई पर नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो एक जानवर भी चढ़ सकता है, एक बकरी जो है यहाँ पर चढ़ी हुई है। Turn us to thousands, and we'll grow in number.
क्या कर रहा है। सबसे बेहतरीन नज़ारे में से एक है किंगफिशर का एयरप्लेन, ये रहा किंगफिशर का एयरप्लेन। अभी हम लोग इसमें थोड़ा पैसेंजर हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।